सूदखोरी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध विधि संगत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर श्री हरिनारायण चरी मिश्र द्वारा इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक श्री विजय खत्री के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन 2 श्री राजेश रघुवंशी व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सिंह राठौर के निर्देशन में आज थाना खजराना द्वारा सूदखोर आरोपी भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को फरियादिया अंजुमपति असलम शेख निवासी सुपर पैलेस कॉलोनी खजराना इंदौर द्वारा थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट की गई। उसके द्वारा करीब 2.5 साल पहले शहजादी निवासी कुम्हार मोहला से 70,000 रुपये, 50,000 रुपये पर 10% व 20,000 रुपये पर 20% ब्याज पर लिए थे तथा जिसके एवज में पति असलम के नाम पर 4 खाली चेक व स्टाम्प पेपर हस्ताक्षर सहित शहजादी के भाई अब्दुल रहमान लाला को दिए थे। वह मार्च 2020 तक ब्याज की रकम शहजादी को देती रही, किंतु लॉकडाउन की वजह से रुपए की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसने मूल रकम 70,000 रुपये के बदले 75,000 रुपये दे दिए, लेकिन शहजादी और उसके भाई अब्दुल रहमान 70,000 के बदले 1,40,000 की मांग कर रहे थे तथा धमकी दे रहे हैं कि उसके चेक बैंक में लगा देंगे। आप आज के क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ फरियादिया अंजुम ने बताया था कि उनसे जो है उन्होंने कुछ जरूरत के कारण कुछ लोगों से उधार लिया था पैसा। इसमें शहजादी और उसका भाई रहमान लाला है, इन लोगों से उन्होंने 70,000 रुपये उधार लिए थे, तो ये 10 से 20% ब्याज अवैध रूप से वसूल रहे थे और इनके कारण जो है काफ़ी लोग परेशान थे। और इसी स्थिति में जब ये सूदखोरी का जो मामला सामने आया तो हमने इस पर अपराध पंजीबद्ध किया। इसमें आरोपी अब्दुल रहमान लाला और उसकी बहन शहजादी दोनों को गिरफ्तार किया है और उनसे कोरे स्टाम्प और जो है चेक जब्त की है और 3/4 ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।